हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप DSLR कैमरा का यूज़ करके वीडियो शूट करते हैं तो आपके वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए किया हुआ है, कुछ ज़्यादा ब्लर तो नहीं हो गया ना, तो ये कैसे किया जाता है ये इस वीडियो में बताते हैं आपको पूरा। बहुत से लोगों का ये गलत फहमी है कि इट डिपेंड्स अपॉन DSLR कैमरा। ये बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी DSLR कैमरा आपके पास है, सस्ता से सस्ता निकॉन का हो, कैनॉन का हो, सोनी का हो, किसी भी कैमरे से, DSLR कैमरे से आप बहुत बढ़िया ब्लर इफेक्ट कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ जो होता है वो लेंस होता है, जो आप लेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा सेटिंग यूज़ करना चाहिए, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कितना आपका ISO होना चाहिए, कितना अपर्चर, कितना शटर स्पीड, ये सब पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कैमरा कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है बैकग्राउंड, ये भी मायने रखता है। इसके अलावा फोकल लेंथ है ना, जो आपके लेंस का है वो कितना रखना है ये भी मायने रखता है। तो हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ है ना, किट लेंस के साथ और प्राइम लेंस के साथ, दोनों ही बिल्कुल सस्ता से सस्ता कैमरा में और महंगे से महंगे कैमरे में कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून गाइस। ये है हमारा कैनन का 800D DSLR कैमरा जिसमें हमने यूज किया है अभी 50mm का प्राइम लेंस। सबसे पहले मैं आपको प्राइम लेंस से ब्लर करके दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा 18-55 किट लेंस से। सबसे पहले जरूरी होता है बेसिक कैमरा के अंदर सेटिंग कर लेने के लिए, तभी वो सब काम करेगा। तो और एक ही बताऊं कि आपको मैनुअल मोड में शूट करने से ज्यादा अच्छा ब्लर इफेक्ट है, ज्यादा अच्छा वीडियो मिलता है। हमें वीडियो के लिए बता रहे हैं पूरा पूरा चीज। सबसे पहले आप इसलिए कैमरा को मैनुअल मोड में ऑन करिएगा, मैनुअल मोड में सेट कर लीजिए और कैमरा को फिर वीडियो मोड में ले जाइए। ठीक है, ये फोटोग्राफी मोड में है, अब ये वीडियो मोड में आ गया। उसके बाद यहाँ मेन्यू पे जाइए, यहाँ जो मेन्यू है इस बटन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन में हम जो है एंटर कर जाएंगे। सबसे पहला चीज जो हमें सेट करना होता है वो होता है हमारा FPS है ना, फ्रेम पर जो रेट है वो रिकॉर्डिंग का। तो देखिए हमारे कैमरा में अगर आप सिनेमेटिक रूप देना चाहते हैं तो 24 FPS परफेक्ट माना जाता है उस चीज़ के लिए, लेकिन आप देखें कि हमारे कैमरा में है ही नहीं, तो आप घबराइए मत है ना। डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा है इसलिए सारा 24 ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। मैं आपको 24 के लिए बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आप जो है आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए यहाँ से आप फंक्शन सेटिंग में और फंक्शन सेटिंग के अंदर आप इंटर कीजिए वीडियो सिस्टम जो है उसे PAL से NTSC कर दीजिए, बस ये सब कुछ आ जाएगा। ये जरूरी है, आप याद रखिएगा, अगर आपको एक अच्छा वीडियो चाहिए तो ये NTSC आपको करना ही करना है। उसके बाद की सेटिंग्स बता रहे हैं आपको हम। ये एप्लीकेबल चाहे आप प्राइम लेंस से करें या फिर आप किट लेंस से, सबके लिए ये सेटिंग तो जरूरी है ही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखेंगे हम मूवी साइज में, देखिए आ गया अलग अलग, देखिए हाँ किसी किसी कैमरा में एग्जैक्ट 24 आता है, यहाँ पे 23.98 पिक्सल आया है FHD। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मीटरिंग मोड, जो मीटरिंग मोड है ना उसे सेट करना होगा आपको। बाय डिफॉल्ट जो है कैनन में 4 मतलब मीटरिंग मोड मिलते हैं, निकॉन में 3 मिलते हैं, तो इवैल्यूएटिंग मोड है ये, पार्शियल मीटरिंग है, आपको स्पॉट मीटरिंग पे सेट कर देना है शटर स्पीड को सेट करने के लिए। तो शटर स्पीड कितना रखना है, जितना आपने FPS का वैल्यू रखा है उसका 1/2 यानी 24 या 25 जो भी रखा है तो आपको रखना होगा यहाँ पे 1/50 है ना, ओके। बाकी का दो चीज दिखाते हैं सेट करना, एक है अपर्चर जिसमें इससे आपका ब्लर का जो है लेवल घटता बढ़ता है हम आपको बताएंगे, और दूसरा है उसके नीचे आपका ISO आपके एनवायरमेंट के हिसाब से, कि अगर आप धूप में हैं अंधेरे में उस हिसाब से आप बढ़ा घटा के सेट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए बेसिकली होता है। और सबसे मेन चीज़ होता है जो ब्लर इफेक्ट के लिए होता है ना, ये होता है अपर्चर का सेट करना अगर आप प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं उस केस में। तो ये आप जितना ही मिनिमम वैल्यू की तरफ रखेंगे मतलब इधर है ना, उतना ज़्यादा ब्लर होगा आपका वीडियो, ये ध्यान दीजिएगा। प्राइम लेंस जो होता है वो आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो है 1.8 वाला होगा आपके पास हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 1.8 50mm 1.8 वाले का कीमत है लगभग 10,000 रुपये, 9,000 8,000 9,000 10,000 के बीच में आता है।
और मेरे पास जो है वो थोड़ा महंगा वाला है, एक्चुअली 1.4 है ये, और ये जो है हमने 1.4 का यूज़ किया है, इसकी कीमत 30,000 रुपये है। तो थोड़ा ज़्यादा ब्लड डेफिनेटली इससे होता है, लेकिन 1.8 इज़ मोर दैन इनफ, आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, 1.4 की आपको ज़रूरत नहीं है, 1.8 वाले से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। हमारी डिस्टेंस की, मतलब आपका DSLR से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है और बैकग्राउंड कितना दूर है ना। तो देखिए बैकग्राउंड जो है ना वो एक्चुअली जितना दूर आपका ये कैमरा से आपका ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा दूर होना चाहिए, मतलब जितना दूरी इसके और इसके बीच में है उससे ज़्यादा दूरी होना चाहिए आपके इसके ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में, है ना। अगर कम होगा तो वो ब्लर अच्छा नहीं करेगा। ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए ये वाला, ओके। तो गाइज अब आप देखिए इसे मैंने फोकस में ले लिया मैनुअली, और मैनुअल यूज़ कीजिए ज़्यादा बेहतर आता है ऑटो से। आप देखिए इसे आउट ऑफ फोकस कर रहा हूँ तो वो फोकस हो गया, ये मतलब फोकस में नहीं है, ये फोकस में हो गया, वो ब्लर हो गया। तो बस गाइज यही चीज़ है आपको बताना चाह रहा था मैं। मैंने ये 50mm का प्राइम लेंस अब निकाल दिया है और अब आउटडोर में शूट कर रहा हूँ इस किट लेंस के साथ, इसे मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये किट लेंस लगा दिया मैंने जिसके साथ मिलता है। ये 18-55mm का लेंस है, 18-55 का जो डिफ़ॉल्ट इसके साथ फ्री में मिलता है। तो एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब आप आउटडोर शूटिंग करते हैं तो उसमें ये लेंस जितना लंबा हो, यानी फोकल लेंथ जो है जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा ब्लर इफेक्ट आएगा आपको, यानी 18-55 में कम आता है। और अगर कोई जूम लेंस है जैसे मतलब 300mm तक का है ना, 55-300 या फिर 18-135mm वाला आता है, उसमें ज़्यादा जो है वो ब्लर होता है बैकग्राउंड वीडियोस में। तो ये देखिए, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की दूरी हम इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे और बैकग्राउंड में पेड़ जो है इसे हम मानते हैं कि वो बैकग्राउंड है। तो चलिए शूट करके दिखाते हैं आपको। हम सबसे पहले फोकस सेट कर लेते हैं। अब देखिए हम जितना ज़्यादा जूम करेंगे है ना, जितना लंबा फोकल लेंथ रखेंगे उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट हमको मिलने वाला है। ये देखिए मैं है ना, पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो गया, ये देखिए है ना, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यही है कहने का मतलब कि अब देखिए आउट ऑफ फोकस करते हैं और बैकग्राउंड को लेते हैं, तो ये आउट ऑफ फोकस हो गया और बैकग्राउंड आ गया। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।